क्योंकि अगर कुल मिला के देखा जाए तो सब शांत हो गए, ये भी शांत हो गए, ये भी शांत हो गए और ये तक शांत हो गए, लेकिन न सबसे ज्यादा चुल तो इन जनाब को मचा है। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कुछ पता भी है तुमको, इन जनाब को 10 दिन में खुशी देना है खसारी फैंस को। मोदी जी कुछ कहिएगा इस पे। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। एग्जैक्टली मैंने भी 10 बार सुना है ये चीज। तो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। जिस दिन जरूरत आएगी खोजने की उस दिन खोज लेंगे और तीर के निकालेंगे जहां भी रहिएगा। नहीं नहीं फिर भी एक वो टाइम बता देते राजीव भैया तो मजा आ जाता। वादा करता हूँ 10 दिन में खुशी दूंगा। अबे खेसारी लाल यादव की स्कूल से पढ़े छात्र, 10 दिन थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? बहुत जल्द 20 दिन में आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। देखो राजीव भैया थोड़ा सोच समझ के बोलो। अब वीडियो खो जाता डाउनलोड करके रखल जाता, अब जितना लोग के नाम आ जाए बहुत लोग है, नाम अब क्या रखवाइएगा, जब एक्शन होगा तो खुद दिख जाएगा। नहीं नहीं भाई सही बता रहे हैं, खेसारी लाल यादव के बाद अगर कोई टीम में तुर्रम खान है तो एक शब्द में उस इंसान का नाम आता है राजीव शर्मा। नहीं नहीं यही आदमी लकीर खींचेगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, लिख के ले लो तुम लिख के। खैर दोस्तों ये कहानी सुनते सुनते 4 दिन बीत गया और 4 दिन से आपके और हमारे राजीव भैया जानते हैं किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पे। और इस मुद्दे पे राय सुनना चाहोगे सरकार का, सुनाना जरा। महेश बाबा आप अपना काम करिए, किसी के खिलाफ किसी के परिवार के खिलाफ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो सही लगता है बोलिए, जो गलत लगता है उसके खिलाफ बोलिए। हाँ किसी के परिवार का टिप्पणी नहीं करना चाहिए और रही बात की आपको जो एक्शन लेना है लीजिए और अपना जो भी करना है अपने तरीके से करिए, क्योंकि देखिए जो जैसा किया है अगर बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, खत्म हो गया यार मैं तो। मतलब सारी बातों को गोल घुमाइए, एक लाइन में लेके आइए और दिमाग में डाल लीजिए कि आप दूसरे की बीवी पर टिक्का टिप्पणी कीजिएगा, दूसरे के पारिवारिक मैटर में टिक्का टिप्पणी कीजिएगा और आप चाहते हैं कि आपका सुपरस्टार सपोर्ट कर दें। सीधा एक शब्द में समझ लीजिए, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो नहीं मिलेगा आपका भी। यार हमको एक बात समझ में नहीं आता है, खेसारी लाल यादव की टीम में जाने से पहले कोई जातिवाद का कोर्स करना पड़ता है क्या? मतलब इनका कहना और मानना है कि ब्राह्मण था, गलती किया तो पीट दिए, सबकी नजर में भी है कि उनके साथ क्या हुआ था महेश पांडे के साथ, लेकिन राजीव शर्मा जो है इनका आप एक बार थोड़ा लॉजिक सुनिए। एक पासवान भाई का लड़का है गलती कर रहा है, मार के दिखा दीजिए ना औकात पता चल जाएगा आपका। एक ब्राह्मण है तो उसको मार दिए हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों होगा, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है और अगर कोई गलती करेगा चाहे वो पंडित हो पासवान हो उसको सजा मिलेगा और हर हालत में मिलेगा, बस गलती साबित होना चाहिए और गलती का प्रमाण आपके पास होना चाहिए। मिलेगा बाबू बहुत मिलेगा, सब दर्द भर पर आ जाओगे। तोड़ देंगे तुम्हारा शरीर का कोना कोना मगर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। अच्छा एक बात बताएं, सब लोग मतलब A to Z सब लोग शांत हैं, सबसे ज्यादा फुदक कौन इंसान रहा है? ये इंसान। लेकिन कायदे से एक बात बताते हैं, जानते हैं इनको बनाया जा रहा है बलि का बकरा और बलि का बकरा का क्या हाल होता है वो सबको पता है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, फैक्ट के साथ बोल रहे हैं और फैक्ट हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह आते हैं, किस तरीके से पवन सिंह खेसारी लाल यादव के ऊपर डोमिनेट करके बैठे हुए हैं ये पूरा दुनिया जानती है, सब लोग वाकिफ हैं। बात तो सही है। उसके बाद एक स्टेप नीचे आते हैं और मामला टीम टीम की लड़ाई की होती है, तो एक तरफ खेसारी लाल यादव की तरफ से होते हैं टीम और पवन सिंह के तरफ से होते हैं उनका एक यूट्यूबर और फिर लड़ाई होता है और तेरा मुंह तो निकल गई क्या बताऊं भैया। चलिए टीम और यूट्यूबर का तो हो गया, अब मामला यूट्यूबर का आता है और फिर यहाँ एक यूट्यूबर फिर इन दोनों लोगों का मिलाप होता है और पापा को फेस नहीं कर पा रहा हूं। सब लोग अपना अपना ताकत आजमा लिए हैं, यही बच्चे हैं खेसारी लाल यादव के दहिना हाथ। लेकिन दहिना हाथ जी ये बताइए कि आपके खेसारी लाल यादव जो हैं वो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, लाइक देखा था ना, इतना ही नहीं टीम वालों के लिए तो मुने को तैयार रहते हैं मुने को, लेकिन आपको कई गाना दिए हैं अभी तक? जिस दिन भाई लोग 2 लाख सब्सक्राइबर कर देंगे, 1 लाख से 2 लाख के बीच में जिस दिन हो जाएगा उस दिन से भैया का गाना आना चालू हो जाएगा। सही बात है, कितने भोले हो ना, आप ये बताइए आपके खेसारी भैया 0 सब्सक्राइबर पे पहले कभी गाना नहीं गाए हैं तो वो
टीम मेंबर वो ब्राह्मण आप ही क्यों नहीं हो गए? ओ चूना लगा दिया। खैर समय है, सबका आता है, इनका भी अभी आया हुआ है, खूब बोल रहे हैं, लेकिन आज से पहले इनका पोस्ट सब देखिएगा। मतलब इनके दिल से इतना बुरा बुरा और खराब खराब दर्द निकलता था ना कि क्या ही बताएं। देखो तो सही, अब आज से कुछ दिन पहले इस तरीके का पोस्ट लिख रहे थे। हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आगे कुछ ऐसा भी बोलेंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? खैर चलिए, ये लोग तो जो बोलेंगे सो बोलेंगे, आपको ये चीज हम दिखाई देते हैं, सबसे सीक्रेट और सबसे कमाल। ये देखो मेरा पहला ब्लॉग, कितना मस्त ब्लॉग है, इस पे क्लिक करके जरूर देखो आप लोग।